हालेलुया, आप सभी को हालेलुया, थैंक यू सो मच। हम सभी को ऐसे मौका मिल रहा है परमेश्वर का नाम ऊंचाई करने के लिए, परमेश्वर का गीत गाने के लिए। उम्मीद है कि आप सब ठीक है। हम सब मिलके परमेश्वर की गीत गाते हैं। योग्य तू है, योग्य मेरी समझ से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मेरा बदला पाओ कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आंखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। महिमा में उसे जिसने बचाया मुझको, खोजा और चुराया मेरी शाम से मुझको। बेबया है करुणा अपार तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु अब देखा आंखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। करे प्रशंसा तेरे नाम की, करे प्रशंसा गाय स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की, करे प्रशंसा गाय स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की, करे प्रशंसा गाय स्तुति की, करे प्रशंसा तेरे नाम की। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, सभी को जय मसीह।
सबसे पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसी ब्यूटीफुल शांति दिन में हम सभी को आज तक सुरक्षा में रखा और हर कदम में हमारा साथ में रहा, इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उसी के साथ हमारा ऑन बिहाफ ऑफ ईटानगर टाउन बाप्टिस्ट चर्च डिकॉन बोर्ड मेंबर्स की ओर से सभी विश्वासियों को तहे दिल से नमस्कार। तो आज मैं थोड़ा सा बाइबल वचन आपका साथ में शेयर करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं बाइबल वचन पढ़ना चाहूँगा रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 11 को। यही लिखा है, एज द स्क्रिप्चर सेज, एनीवन हु ट्रस्ट इन हिम विल नेवर बी पुट टू शेम। ये बाइबल वचन के ऊपर प्रभु का आशीष हम सभी के ऊपर न रहे। मैं प्रार्थना करूँगा आप सब हमारा साथ दीजिए। Living God, we thank the name and praise the name. May the name be forevermore be holy. Oh, living God, as I'm going to say your living word, may your spirit come and help me to speak what you want me to speak and bless us all together. In Jesus' name we pray. Amen. So, जैसे बहुत दिन हो चुका है, बहुत सप्ताह हो चुका है, हम सभी चर्च में कलीसिया में आके एक साथ प्रभु का वचन सुनने नहीं मिल रहा है, प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जैसे WHO ने ये COVID-19 कोरोना वायरस को पैंडेमिक बोल के घोषित किया गया है 27 मार्च 2020 को, तो उसी के चलते हमें देखने से 19 मार्च 2020 से लेकर आज तक 17 मई 2020 आज तक हम सभी चर्च नहीं जा पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेरेशन किया है, तो लॉकडाउन किया है, जैसे कि सोशल गैदरिंग को प्रोहिबिटेड किया है 19 मार्च 2020 से लेके 5 अप्रैल 2020 तक। तो उसी के साथ 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू हम सभी को ताली बजाने दिया। तो उसके बाद 5 अप्रैल 9 PM शाम को 2020 को लाइट कैंडल हम सभी को जलाने के लिए दिया। तो उसी के साथ फर्स्ट फेज लॉकडाउन जो है 25 अप्रैल 2020 मिडनाइट से लेके 14 अप्रैल 2020 तक। उसके साथ सेकेंड फेज जो है लॉकडाउन है 15 अप्रैल 2020 से लेके 3 मई 2020, और थर्ड फेज जो है 4 मई 2020 से लेकर 17 मई 2020 तक है। और फोर्थ फेज कब होगा उसको प्रभु यीशु मसीह ही जानता है। तो इसलिए मैं आज आप सभी के साथ थोड़ा प्रभु का वचन को लाना चाहता है। तो आज का मेरा टॉपिक होगा बी ए गुड लिसनर एंड अ डूअर। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, यही टेक्स्ट लिया गया है मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 24 से लेके 27 तक। तो इधर में लिखा है, लिसन केयरफुली बिकॉज नाउ इज द टाइम टू लिसन केयरफुली। तो इसमें देखने से हमें प्रभु का वचन को हमें ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से सुनना है। अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं सुनेगा तो हमें गलत दिशा पे जा सकता है। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है अच्छी तरह से सुन ले और उसके
जरिए हमें एक्शन में लाना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हमें अच्छी तरह से नहीं सुनने से क्या होता है, कभी कभी रोंग दिशा, रोंग डायरेक्शन, रोंग एक्शन में हमें निकालने के लिए चांसेस होता है। तो अगर हमें ऐसे कुछ कंफ्यूज होने से, जैसे भी हो बाइबल को दोहरा के हमें पढ़ना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि बाइबल को पढ़ के हमें अंडरस्टैंड में आने के लिए। अगर उसके बावजूद भी हमें नहीं सकने से, तो जैसे भी हो हमें चर्च इल्डर से, जैसे कि पास्टर लोग से हमें पूछना चाहिए उसका अर्थ जो क्या है, उसके मीनिंग जो क्या है, ताकि हमें गलत ना कर सके। तो जैसे कि ये टॉपिक में इन कॉन्टेक्स्ट ये COVID-19 से लेके मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। तो इस टॉपिक को किस लिए हम लाया गया बोलने से, देखिए अभी COVID-19 की वजह से हमें बहुत पैनिक हो जा रहा है, होते जा रहा है, तो इसीलिए ये बाइबल वचन को बहुत बोलना पड़ रहा है। तो जैसे ये अंतिम समय है, तो जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 24:24 में लिखा हुआ है, फॉर फॉल्स प्रोफेट्स विल अपीयर एंड परफॉर्म ग्रेट साइंस एंड मिराकल्स टू डिसीव इवन द इलेक्ट इफ दैट वेयर पॉसिबल। तो यही में लिखा है अंत समय में, प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है अंत समय में फॉल्स प्रोफेट्स आएगा और वो तरह तरह का आश्चर्य चमकार करने लगेगा और जितना सकेगा टू डिसीव इवन द इलेक्ट। तो इसलिए ये COVID-19 में ऐसी समय में हमें बहुत पैनिक होने का वजह से कभी कभार हमें सुन देखा है, कोई किसी ने बोला है चाय पाटी को बना के पीने के लिए ताकि हमें COVID-19 ना लग सके, हमको भी बोला था, लेकिन मैंने बोला है नहीं, हम ऐसा नहीं करेगा जब तक बाइबल में वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद में हमें देखा है चूल को पीने के लिए बोला है, तो मैं फिर बोला है वी शुड स्टैंड ऑन द बाइबल, नॉट व्हाट द पीपल टॉक, व्हाट द प्रोफेट सेज। तो इसीलिए मैंने बोला नहीं, हमें उसको नहीं करेगा। तो इसलिए ये बाइबल लिखा है जो जो भी हो और जितना भी आदमी बोलने से भी हमें हिलना नहीं है, हमारा विश्वास से हमें हिलना नहीं है, हमें बाइबल वचन में होना चाहिए, वचन जैसे लिखा है ऐसा ही हमें करना चाहिए, उससे अलावा उसके बाहर हमें नहीं चलना चाहिए, ये बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे कि मैथ्यू चैप्टर 7:26 में लिखा है हमें तरह तरह का टेंपर आएगा, तो उसी टेम्पटेशन में हमें नहीं गिरना चाहिए। अगर जो गिरता है वो जो है फाउंडेशन को बालू के ऊपर में घर बनाने वाला, वो जो होता है गिर जाता है, लेकिन जिसको पत्थर में रोक, जिसको चट्टान के ऊपर में घर बनाएगा लेकिन नहीं करता है, वो जो है अपना चेहरा को आईना में देखते हुए थोड़ी समय की बात भूल जाता है। तो हमारा शक्ल कैसे था उसको बिल्कुल भूल जाता है। ठीक ही ऐसे जो प्रभु का वचन को सुनता है अच्छे से नहीं सुनने वाला, और सुनने के बावजूद भी अगर भूल जाता है करने के लिए, वो आदमी ऐसा होता है बोल के यहीं पे लिखा है। तो मैथ्यू 24:10 में लिखा है मैनी विल टर्न अवे फ्रॉम देयर फेथ बिकॉज ऑफ टेरिबल हार्डशिप और ग्रेट मिराकल्स साइंस। तो हमें अंत के समय में हमें तरह तरह का चमत्कार दिखाएगा, फॉल्स टीचर्स, प्रीचर्स, प्रोफेट्स लोग आएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से लेके, लेकिन हमें दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है।
हमें आश्चर्य नहीं होना है। तो इसीलिए यही वचन लिखता है Matthew 7:24-25, good listener never fall, though it may be great temptation. That means we are those who have founded on the solid rock. तो इसीलिए कभी कभी हमें ये बाइबल वचन सुनता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं सुनता है, तेज दिल से नहीं सुनता है। तो इसीलिए कभी कभार जो आदमी वो बोल रहा है ये बोल रहा है उसको सुन के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, रॉन्ग दिशा। जैसे मैंने बोला है, गलत सुनेगा तो एक्शन गलत होगा। तो इसीलिए हमें बाइबल का वचन में ही रहना चाहिए। और अभी ऐसे समय है कि बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। धीरे धीरे समय आएगा आप और हमको प्रभु का वचन को सुनने ना मिले। तो उसी के साथ मैं ये COVID-19 की रिलेटेड में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू से, जैसे कि आज ये पनिशमेंट जो है, बीमारी जो है, हमें झेलना पड़ रहा है घर से नहीं निकलते हुए, तो उसको हमें बाइबल में देखने से कभी कभार हमें मनुष्य जाति जो अपना आप को भगवान मानने लग जाता है, अपना आप को भगवान मानने लगता है, वी से देयर इज नो गॉड, वी आर सेल्व्स आर गॉड, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं एग्नोस्टिक्स सेक्युलर। वो इस संसार में ऐसे ज्यादा फैलाने लगे और जैसे ज्यादा आदमी लोग स्वीकार करने लगा हम ही भगवान है, देयर इज नो गॉड। लेकिन बाइबल बोलता है अजाया चैप्टर 43:10 में, बिफोर मी नो गॉड वॉज फॉर्म नोर विल देयर बी वन आफ्टर मी। यही पे लिखा है भगवान कोई नहीं था, कभी नहीं होगा, अभी भी नहीं है और आने वाला समय में भी कोई भगवान अलग नहीं है। प्रेम पिता परमेश्वर यावे जहोवा है, वही सिर्फ भगवान है बोल के यही में लिखा है। तो आज हमारे क्रिश्चियन लोग भी हम खुद भगवान है बोल के, जैसे कि वेस्टर्न साइड में जहाँ में क्रिश्चियन कंट्री से बहुत सारा बैकस्लाइड हो गया उसी के कारण। तो बाइबल में लिखा है 1 Corinthians 1:19 में, For it is written, I will destroy the wisdom of wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate defeat. यहाँ बाइबल में लिखा है जैसे आदमी अपना खुद को भगवान मानने लगता है, अपना खुद को फेलोशिपर वेजर वाइज मैन मानने लगेगा, बोलने लगेगा प्रभु कुछ नहीं है बोलने लगेगा, तो प्रभु उसका जो कितना हर तक शक्तिशाली है कैसे वो भगवान हो सकेगा, कैसे प्रभु से जानकार हो सकेगा बोल के कभी कभी हमको दबा देता है, पनिशमेंट देता है। ठीक ऐसे ही आज हम लोग पनिशमेंट मिल रहा है। सो 20 में लिखा है 1 Corinthians 1:20 में, वेयर इज द वाइज मैन, वेयर इज द स्कॉलर्स, वेयर इज द फिलोसोफर ऑफ दिस एज। जैसे कि आज हमें टुडे वी डोंट हैव एनी वैक्सीन और एनी मेडिसिन फॉर द COVID-19 कोरोना वायरस। तो इसीलिए हमें विश्वास से हमें वही लग रहा है कि जैसे इजराइलाइट लोग का हिस्ट्री को देखने से जैसे उन लोग भगवान से दूर चलने लगा तो भगवान हमेशा पनिशमेंट देता आया है। 2 Chronicles 7:13-14 में लिखा है, गॉड्स पनिशमेंट ऑलवेज हैव गोल ऑफ रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन। तो इसीलिए भगवान जो आदमी को पनिशमेंट देने से देता है किस लिए बोलने से, ओ हमको रिपेंटेंस होने के लिए, रिपेंटेंस होके हमको बचाने के लिए, तो प्रभु वो चीज को देता है, पनिशमेंट देता है बोल के यहीं पर लिखा है। तो इसीलिए जैसे Matthew 24:8 में, ऑल दीज आर बिगिनिंग ऑफ फेम, जैसे कि हमें ये
फैनी कोक चाय पट्टी को पीने लग रहा है, ये चूल को पीने लग रहा है, क्योंकि डर लग गया, हमें बचना है, इधर उधर दौड़ना है। लेकिन बाइबल बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, COVID-19 इट्स नथिंग, मैनी टेरेबल थिंग्स विल कम। तो इसीलिए हाँ, जो अगर कोई चाय पट्टी पी लिया, ये चूल पी लिया, खराब नहीं मानना है कि ये शुरुआत है, शुरू शुरू में ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें सुधर में आना चाहिए। इन द कमिंग डेज वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, एवरी थिंग शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें बाइबल के अनुसार चलना है। जैसे मैंने बोला, अगर कुछ पजल है, कंफ्यूज है, कंसल्ट विथ योर चर्च एल्डर्स, स्पेशली टू द पास्टर, रेवरेंड एंड ऑल द चर्च एल्डर्स। तो उसी के साथ जैसे बाइबल लिखा है, ये शुरुआत है, हमें डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ्यू चैप्टर लूक चैप्टर 22 वर्स 46 में लिखा है, सिर्फ हमको हमारा ड्यूटी अभी क्या है, अभी जो बोल रहे वो उसी से चलने से नहीं होगा। हमें डर लग के घर का अंदर में सिर्फ नहीं हिल के बिना प्रार्थना ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। हाँ, प्रार्थना के साथ हम इधर उधर दौड़ते रहने से, जो गोमिन बोल रहे हैं, जो साइंस लोग, जो एक्सपर्टिस लोग बोल रहे, उसको नहीं मानकर जहाँ तक जाते रहे, वो भी नहीं हो। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स आई लूक चैप्टर 22 वर्स 46 में लिखा है, गेट अप एंड प्रे, यही वही लिखा है, हमें होशियार करके बैठना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वॉच एंड प्रे, इन अदर वर्ड गेट अप एंड प्रे, हमें होशियार करना बहुत जरूरी है। प्रियो भाई और बहनों, हमारे विश्वासी लोग, हमें होशियार करना है। प्रभु हे बोल के जहाँ तक घूमते रहेगा, मास्क नहीं पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा, तो प्रभु भी बचा नहीं पाएगा लापरवाही करने से, जैसे कि हमारा इटली में हुआ है। हाँ, उसको मानते हुए भी अगर हम प्रार्थना नहीं करेगा, बाइबल बोलता है वो भी बचने के लिए जगह नहीं है। टू शुड बी गो टूगेदर, prayer and at the same time be careful. तो उसको करके, जैसे बाइबल बोला है, अगर हमको प्रभु पनिशमेंट दे रहा है, तो उसको हम सिर्फ करते रहने से भी नहीं होगा। With prayer our hearts should repent what we are doing wrong things. If we are doing wrong things, we have to repent and turn back to God. तो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 13 में लिखा है, who is ten fame to the end will be saved. जैसे हमें प्रभु का साथ में वचन में ही रहने से हमको प्रभु जरूर बचाएगा। जैसे मैंने पढ़ा है रोमन्स चैप्टर 10:11 में, as the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 13 में लिखा है, who believe Jesus is his personal Lord and Savior will never die, rather will have an eternal life. तो इसलिए मैं आज सभी ईटानगर टाउन बापटिस्ट चर्च विश्वासियों को मैं अनुरोध है, बाइबल पढ़िए और जरूरत पड़ने से चर्च एल्डर्स लोग को कंसल्ट कीजिए, और उसी के साथ वो वर्ड को इम्प्लीमेंट में लाइए। ऐसे करने से तो हमारा के लिए लाभदायक है, हमको प्रभु बचाएगा, जैसे बचन ने कहा है। तो इसीलिए आज वही मैं कहना चाहता है, आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, वचन पे रहिए, वचन को पढ़िए, वचन हमको बचाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो इसीलिए जहाँ तहाँ मत दौड़िए, और हमें ज़्यादा पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं है, और हमें जो गवर्नमेंट बोला है उसको भी मानना बहुत ज़रूर है, लापरवाही नहीं करना है। इसी समय में हमें ऐसे करते रहने से प्रभु जरूर बचाएगा बोल के बाइबल में लिखा है। तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक था, बी ए गुड लिसनर एंड ए डूअर, हमें प्रभु का वचन को अच्छी तरह से सुन ले और उसके बाद उसी हिसाब से कर लीजिए, देन गॉड विल सेव अस। तो इसी के साथ आज का शॉर्ट सर्मन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैं
परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इसी समय में, अच्छा समय दिया है प्रभु का वचन को बांटने के लिए जो जिन्होंने सुना है। आप सभी को थैंक यू, जैसे मैंने आपका जो एक्सपेक्टेशन उतना तक नहीं बोला भी होगा, फिर भी आप लोग अपने से और कोशिश कीजिए ताकि प्रभु आपको आशीष करे, सभी के साथ प्रभु रहे आशीष करे। तो उसको ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से एक साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सभी जहाँ भी देख रहा है देख रहा हो तो हमारा साथ में ये प्रार्थना हमें एक साथ करूँगा। तो स्पेशली प्रेयर पॉइंट है आज हमारा कोविड 19 के लिए प्रार्थना करूँगा, उसी के लिए प्रार्थना में स्पेशली गवर्नमेंट अपना मूल का गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट को अच्छा से गवर्न पाने के लिए इन कनेक्शन विद दिस कोविड 19, तो उसके उसी के बाद मेडिकल स्टाफ्स लोग हैं और आपका पुलिस पर्सनल लोग है और मीडिया वाले लोग हैं, उन सभी के लिए सुरक्षा के लिए हम सभी मिलकर एक साथ प्रार्थना करूँगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया ओ लिविंग गॉड, वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी डोंट हैव एनीथिंग एंड वी आर वेसलेस एंड वी आर मीनिंगलेस, बट आवर होप इज इन यू। Hallelujah. We pray that now because of this coronavirus, this world, everybody are panic. Lord, we do especially for the government of this world, bless each country's government to manage, give wisdom and knowledge. At the same time, we also pray especially for the medical team, all the medical scientists, bless them and give them wisdom and knowledge so that they may work it out. And we also remember, especially for the media persons throughout this world, bless everyone and protect them, guide them, so that they may able to struggle, so that they may able to fight. And we also pray especially for the police personnel and all the armed forces. Bless them, protect them, help them as they are struggling for us. Thank you, Lord, once again, bless every one of them. In Jesus' most precious name, we pronounce this prayer. Amen. तो सभी के ऊपर में प्रभु का आशीष रहे। आज का समय को मैं यहीं पर आते हैं। धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah.